दोस्तों नमस्कार, आप द रैकेट इंडिया डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 22 जनवरी 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है टीम इंडिया की अगली सीरीज को लेकर, जहां पर मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि फिलहाल इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आ चुकी है, जहां पर भारत और इंग्लैंड आपस में 5 मैचों की बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज खेलने वाले हैं। इस सीरीज की सभी इंफॉर्मेशन, पूरा शेड्यूल और वेन्यूज और दोनों टीमों के फाइनल स्क्वाड्स यहां पर ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच हमें 25 जनवरी से 29 जनवरी के बीच भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से हैदराबाद के स्टेडियम से लाइव देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार यह मैच होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस शानदार मैच के आगाज से पहले इस सीरीज को लेकर आज की तारीख में 3-4 बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। चलिए वन बाई वन हम बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है इंग्लैंड की टीम को लेकर। जी हां, इस टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले इंग्लैंड की टीम को बहुत ही तगड़ा झटका लग गया है, जहां पर इंग्लैंड टीम के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैरी ब्रूक्स इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुके हैं। जी हां, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको अपने स्क्वाड में जरूर शामिल किया था, भारत भी वो आ गए थे, लेकिन भारत आने के बाद अचानक से वो वापिस अपने स्वदेश लौट गया है। पर्सनल रीजंस के चलते इस पूरी सीरीज से वो रूल्ड आउट हो गए हैं। उनकी रिप्लेसमेंट की भी यहां पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कल अनाउंसमेंट कर दिया, जहां पर डैन लोरेंस को यहां पर उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंग्लैंड में शामिल किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है मोहम्मद शमी को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, खबर थोड़ी सी आप सभी फैंस को निराश करने वाली है। जी हां, आपको पता है कि मोहम्मद शमी फिलहाल गंभीर इंजरी का शिकार है, जिसके चलते शुरुआती 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का जब ऐलान हुआ था भाई उनको रेस्ट दिया गया था, ऐसा बोला गया था कि हो सकता है कि भाई लास्ट 3 टेस्ट मैच के लिए जो इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान होगा वहां पर शमी हमें कमबैक करते नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है, जहां पर कल उनकी लेटेस्ट फिटनेस रिपोर्ट हमें बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिली, जहां पर ऐसा क्लेम किया गया कि उनकी इंजरी है थोड़ी सी ज्यादा सीरियस है, जिसके चलते रिकवरी में उनको यहां पर काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। जी हां, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इस सीरीज में डेफिनेटली अपना कमबैक नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आईपीएल के शुरुआती कुछ मैचों को मिस करे तो भाई कहीं ना कहीं भारतीय टीम के साथ साथ गुजरात टाइटंस टीम के लिए भी बहुत ही बुरी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन को लेकर। फाइनली यहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन कर लिया। जी हां, कल यहां पर रोहित शर्मा की काफी सारी फोटोज वायरल हुई थी, जिनको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे, जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए स्पोर्ट किए गए थे। और भाई कहीं ना कहीं फाइनली यहां पर ये सभी खिलाड़ी आपके हैदराबाद में इकट्ठा हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को लेकर। जी हां, काफी सारे बड़े अपडेट्स यहां पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर निकल कर आए, जहां पर ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि पहले टेस्ट मैच में भारत की तरफ से हमें ओपनिंग पेयर में आपके डेफिनेटली एक छोर पर रोहित शर्मा होंगे, दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हमें यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स यहां पर निकल कर आए हैं। केएल राहुल यहां पर एज बैटर हमें खेलते हुए नजर आएंगे, किसी अनदर विकेट कीपर को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, आपके केएस भरत हो सकते हैं, वो आपके यहां पर आपके मतलब जो सेकंड आपके जो विकेट कीपर है आपके धुरव जुरेल युवा खिलाड़ी हो सकते हैं। उसके अलावा एक और बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि भाई बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपके यहां पर 3-2 पेयर के साथ उतरेंगे, 3 आपके स्पिनर्स होंगे, 2 आपके यहां पर पेसर्स होंगे और भाई स्पिनर्स आपके लगभग फिक्स है, जहां पर हमें आपको आपके यहां देखने को मिलेंगे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और भाई डेफिनेटली कुलदीप यादव यहां पर होंगे। पेसर्स अटैक में बुमराह सिराज होंगे, अगर थोड़ा सा फेरबदल यहां पर किया जाता तो एक और पेसर मुकेश कुमार को 11 में ऐड किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट हम इस शानदार मैच के लिए भारत की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो इस शानदार मैच में टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे कप्तान साहब रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पर हमें डेफिनेटली शुभमन गिल देखने को मिलेंगे, नंबर 4 पर आपके बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज किंग कोहली देखने को मिलेंगे, नंबर 5
5 पर केएल कमाल, लाजवाब राहुल एज बैटर हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। नंबर 6 पर एक विकेट कीपर को ऐड किया जाएगा। अब वो आपके यहां पर ध्रुव जुरैल भी हो सकते हैं, आपके यहां पर केएस भरत भी हो सकते हैं। नंबर 7 पर रविंदर जडेजा होंगे। नंबर 8 पर अक्षर पटेल या फिर अश्विन किसी एक को मौका मिलेगा। नंबर 9 पर हमें आपके डेफिनेटली कुलदीप यादव देखने को मिलेंगे। नंबर 10 पर होंगे जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर हमें मोहम्मद सिराज देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे मुताबिक कुछ ऐसी होने वाली है पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की अपडेटेड प्लेइंग 11। लेकिन आपके मुताबिक क्या होगी प्लेइंग 11, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2024 को लेकर। जी हां, जिस तरह से IPL काफी ज्यादा पॉपुलर, उसी तरह से वुमेन्स क्रिकेट में WPL वुमेन प्रीमियर लीग काफी ज्यादा पॉपुलर है। अभी लास्ट एडिशन इसका आगाज हुआ था, फर्स्ट एडिशन ने सीरियसली बहुत बड़ी TRP यहां पर बटोरी, और भाई सेकंड एडिशन की नीलामी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। कल फाइनल यहां पर इस टूर्नामेंट की डेट्स को रिवील कर दिया गया है, जहां पर ऐसा क्लेम किया गया है कि 22 फरवरी 2024 से हमें यह शानदार इवेंट लाइव देखने को मिलने वाला है। और इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच हमें 17 मार्च 2024 को दिल्ली के स्टेडियम में देखने को मिल सकता है, फिलहाल यही क्लेम किया जा रहा है। खैर दोस्तों, जैसे हमें किसी भी टाइप का कोई भी नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है राम मंदिर को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, आप सभी लोगों को पता है आज 22 जनवरी हम बोल सकते हैं कि भी आज यहां पर एक बार फिर से पूरे भारत में दिवाली सेलिब्रेट की जाएगी, क्योंकि भाई हमारे रामलला वापस अयोध्या आ गए हैं। और ऐसे में यहां पर राम मंदिर की तरफ से काफी सारे प्लेयर्स को, क्रिकेट प्लेयर्स को भी इन्विटेशन भेजा गया था। हम मेनली बात कर लेते हैं, यहां पर सचिन तेंदुलकर को इन्वाइट किया गया था। उसके अलावा आपके विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, आपके जितने भी क्रिकेटर्स हैं, लगभग सभी क्रिकेटर्स को इन्विटेशन यहां पर मिला था आज राम मंदिर का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। और सीरियसली इस खबर के बाद भाई, मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद थोड़ी सी शांति यहां पर जरूर फील हो रही है। लेकिन इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है IPL 2024 के ग्रुप्स को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, सभी IPL फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर यह है, क्योंकि भाई IPL के नेक्स्ट एडिशन IPL 2024 के लिए नए ग्रुप्स यहां पर डिसाइड कर लिए गए हैं। नए ग्रुप्स की लिस्ट को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर ग्रुप ए में हमें आपकी 5 टीमें मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स देखने को मिली है। वही ग्रुप बी में आपके यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और आपकी गुजरात टाइटंस की टीम हमें यहां पर देखने को मिली है। तो भाई सीरियसली बहुत ही बड़ी ये खुशखबरी देखने को मिली है, नए ग्रुप्स डिसाइड हो चुके हैं और आने वाले कुछ टाइम में यहां पर पूरा शेड्यूल भी हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है IPL 2024 के रिगार्डिंग BCCI की मीटिंग को लेकर। जी हां, मैंने आपको बताया था रिसेंटली एक मीटिंग यहां पर IPL 2024 को लेकर देखने को मिली थी, जहां पर भाई कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिले थे जिनको हमने कल शाम वाली वीडियो में प्रोवाइड किया था। लेकिन इसी बीच यहां पर सभी को इंतजार है कि कब होगी सेकंड मीटिंग, जिस मीटिंग के बाद हमें IPL का शेड्यूल देखने को मिल सकता है। तो भाई फिलहाल यहां पर ऐसा ही क्लेम किया जा रहा है कि IPL 2024 के रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं IPL 2024 की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मीटिंग हमें 28 जनवरी या फिर 29 जनवरी को BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल के बीच देखने को मिलेगी, जहां पर IPL के रिगार्डिंग काफी सारी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेंगी। जैसे इस मीटिंग के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का कोई भी नेक्स्ट अपडेट, फर्दर अपडेट हमें देखने को मिलता है तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है IPL 2024 की स्टार्टिंग डेट को लेकर। जहां स्टार्टिंग डेट का सस्पेंस यहां पर खत्म कर दिया गया है, जहां पर आपको बताना चाहूंगा कि 22 फरवरी 2024 से WPL के सेकंड एडिशन का आगाज होगा, उससे जस्ट एक महीने बाद 22 मार्च 2024 से IPL के नेक्स्ट एडिशन IPL 2024 का आगाज होने वाला है। और भाई फिलहाल ऐसा ही क्लेम किया गया कि IPL 2024 का पहला मैच हमें लास्ट एडिशन में फाइनल में क्वालिफाई करने वाली दोनों टीमें, जी हां, आपके यहां पर गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच टीम CSK के होम ग्राउंड में चेन्नई के स्टेडियम से लाइव देखने को मिलने वाला है। आने वाले कुछ टाइम यहां पर शुरुआती 2 वीक्स के लिए शेड्यूल रिवील हो जाएगा, जैसे ही शेड्यूल आ जाता है तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले यहीं पर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर। लगभग सभी डिटेल्स रिवील हो चुकी है, 1 जून से 29 जून के बीच यह शानदार इवेंट, शानदार टूर्नामेंट हमें दो कंट्रीज में, जी हां, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलने वाला है। पूरा शेड्यूल, पूरा कार्यक्रम ऑलरेडी रिवील हो चुका है, वेन्यूज को डिसाइड कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच यहां पर बहुत ही बड़ी खबर टीम इंडिया के स्क्वाड्स को लेकर निकल कर आ रही है।
है, जहां पर अभी से कुछ दिनों पहले रोहित शर्मा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड्स के बारे में उनसे डिस्कशन किया गया था। वहां पर उन्होंने बिल्कुल ऐसा क्लीन एंड क्लियर बोला था कि भाई 15 में से हमारे 10 खिलाड़ी लगभग सेलेक्ट हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी और हमें सेलेक्ट करने हैं, और भाई उन 5 खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए IPL यहां पर काफी ज्यादा मेन होने वाला है। वही कुछ दिनों पहले BCCI ने ऐसा ऐलान किया था कि BCCI ने 30 खिलाड़ियों की लिस्ट बना रखी है, 30 खिलाड़ियों को फिलहाल BCCI पूरी तरह से रेंडर कर रही है, 30 में से किन्हीं 15 खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड्स में शामिल किया जाएगा। तो भाई कहीं ना कहीं स्क्वाड्स को लेकर बड़े सस्पेंस यहां पर जरूर बरकरार है, लेकिन एक सस्पेंस यहां पर क्लियर हो गया है, कौन होगा कप्तान जी आपके हिटमैन रोहित शर्मा में T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया की लीडरशिप करते नजर आएंगे। और हार्दिक पांड्या जो T20 फॉर्मेट की कैप्टनशिप के लिए प्रबल दावेदार नजर आए थे, वो हमें यहां पर एज ऑलराउंडर उनके अंडर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी फिलहाल करंटली काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, रीजन ऑलरेडी आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है, क्योंकि भाई वेन्यूज को लेकर सस्पेंस यहां पर बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास होस्टिंग राइट्स है, भारत ने जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ICC PCB से ऐसा बोल रहा है भाई चलो इस टूर्नामेंट को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कर लेते हैं, PCB उसके लिए मान नहीं रहा है। तो वैसे में कहीं ना कहीं काफी बड़ी जद्दोजहद फिलहाल चल रही है, लेकिन जैसे यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल वेन्यू की रिगार्डिंग हमें किसी भी टाइप का कोई भी नेक्स्ट अपडेट फर्दर अपडेट देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की सुनो बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।